बात ग्वालियर की कर लेते हैं, जहां माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लौट रहे एक परिवार का 2 महीने का बच्चा मालवा एक्सप्रेस ट्रेन से अगवा हो गया। डबरा में दंपत्ति की नींद खुलने पर बच्चा सीट पर नहीं मिला था। हालांकि जीआरपी पुलिस ने बच्चों को इंदौर से बरामद कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि जीआरपी को इंदौर में रहने वाले एक दंपत्ति ने बच्चा यह कहते हुए सौंपा कि वह उन्हें मालवा एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में ऊपर की बर्थ पर लावारिस मिला था। बच्चा सौंपने वाले दंपति का कहना था कि ट्रेन में लोगों से पूछा भी कि बच्चा किसका है, किसी के सामने नहीं आने पर इंदौर जीआरपी को बच्चा सौंपा गया। मामले में ग्वालियर जीआरपी का कहना है कि इंदौर के जिस दंपति ने बच्चे को जीआरपी को सौंपा है उससे पूछताछ की जाए, जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि बच्चे के और इनके बात पर कितनी सच्चाई है। तो आपको बता दें कि 6 तारीख को ये बच्चा लापता हुआ था, उसके बाद अब बच्चा परिवार वालों को सौंप दिया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवम आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शिवम, जिस तरह से बच्चा ट्रेन में गायब हुआ था और दूसरे दंपत्ति ने जीआरपी पुलिस को बच्चा सौंप दिया है, और जीआरपी पुलिस दूसरी ओर पूछताछ करने की बात कह रही है, क्या कुछ पूरा ये मामला है? देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं, ये मामला जो है ग्वालियर जीआरपी में एक बड़ा मामला सामने आया है। 2 माह के बच्चे का अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि ये 6 तारीख को वैष्णो देवी से दर्शन करके दंपत्ति अपने 2 माह के नमन के साथ, दो बच्चे है जो 2 माह का बच्चा था उसके साथ में ये लौट रहे थे अपने छतरपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये जम्मू से ट्रेन में बैठ के सवार हुए थे और ये झांसी तक जहाँ तक उनका आगरा में उनकी खाना खाने के बाद इनकी नींद लग गई तो सो गए थे। उसके बाद जब इनकी नींद रात में लगभग डबरा में खुली तो ये बच्चा 2 माह का बच्चा था, वो उन्हें सीट से गायब मिला। तब उसकी तत्काल उन्होंने इसकी सूचना जीआरपी पुलिस को दी। जीआरपी पुलिस ने बच्चे के माता पिता के कहने पर अपहरण का मामला दर्ज कर लिया था। ये ट्रेन इंदौर पहुंच चुकी थी, वहां पर ये दंपत्ति एक दंपत्ति को ये बच्चा सीट पर S2 में मिला हुआ था। उन्होंने तत्काल बच्चे को इंदौर जीआरपी को सौंप दिया गया। अब ये देखना होगा कि ये बच्चे के जो अपहरण हुआ है ये किस तरीके किन लोगों ने किया है और किस तरीके से 2 माह का बच्चा लापता हुआ है। फिलहाल पुलिस और उनके परिजन, जीआरपी पुलिस और परिजन इंदौर की रवाना हो गए बच्चे को बरामद करने के लिए। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवम तमाम जानकारी साझा करने के लिए।